रॉयल ट्रिंकल स्टार क्लब लिमिटेड कंपनी का पैसा कब मिलेगा? हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी रॉयल ट्रिंकल स्टार क्लब के निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने जानना चाहा था कि रॉयल ट्रिंकल स्टार क्लब का पैसा कब मिलेगा, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रॉयल ट्रिंकल स्टार क्लब का पैसा मिलना बहुत ही असंभव है, क्योंकि ये एक ऐसी भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड से भी के चंगुल में ये पैसा फंसा हुआ है, जिसने अभी तक किसी भी कंपनी का पैसा नहीं दे पाई है। तो दोस्तों, हमारे पास एक अपडेट है जो 28 सितंबर की 2023 की अपडेट है। अपडेट क्या है, चलिए शुरू करते हैं। आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रॉयल ट्रिंकल स्टार क्लब लिमिटेड मुंबई की एक कंपनी है जो देश भर में विभिन्न होटलों और खुदरा खास श्रृंखला चलाती है। यह पता चलता है कि फार्म सामूहिक निवेश योजनाओं CRCS में शामिल थी और उसने निवेशकों से हजारों करोड़ रुपए जुटाए थे। कंपनी ने निवेशकों को टाइम शेयर होल्डिंग प्लान प्रदान करने के नाम पर पैसा जुटाया। 2014 में पूंजी बाजार नियामक सेबी ने रॉयल ट्रिंकल स्टार क्लब लिमिटेड RTSC और उसके निदेशकों और प्रमोटरों को निवेशकों से धन जुटाने को रोका था। हालांकि कंपनी ने एक नए नाम सिस्टर्स चेक इन लिमिटेड का उपयोग करके अपना संचालन जारी रखा। अगस्त 2015 में सेबी रॉयल ट्रिंकल स्टार क्लब लिमिटेड को अवैध रूप से रुपए से अधिक जुटाने के प्रतिभूति बाजार तक पहुंचाने से रोक दिया। जनता से 2656 करोड़ का वादा किए और रिटर्न के साथ निवेशकों को पैसे वापस करने के लिए कहा। हालांकि कंपनी सेबी के निर्देशों का पालन करने में विफल रही। इस साल की शुरुआत में सेबी ने कंपनी द्वारा अवैध रूप से जुटाए गए निवेशकों से पैसे वसूली के लिए 15 जुलाई 2022 को रॉयल ट्रिंकल स्टार क्लब लिमिटेड की संपत्तियों की नीलामी का आदेश दिया था। नीलामी ऑनलाइन होनी थी और संपत्तियों में जमीन के पार्लर, कार्यालय, परिसर, आवासीय फ्लैट, भूखंड और महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन, दादरा और नगर हवेली में स्थित भवन शामिल थे। कंपनी की संपत्ति और संपत्तियों की नीलामी से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल जमाकर्ताओं को पैसे वापस करने के लिए किया जाएगा। रिफंड प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में नवीनतम समाचार और नोटिस जल्दी जनता के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते आ रहे हैं कि 2015, 16, 17, 18 से यही सुनते आ रहे हैं कि रॉयल ट्रिंकल स्टार क्लब की संपत्तियों को बेचा जाएगा, निवेशकों का पैसा दिया जाएगा, लेकिन सेबी विभाग इस वक्त भांग खाकर सोई हुई है। ना उसे निवेशकों की चिंता है और ना निवेशकों के परिवार की चिंता है, क्योंकि यहाँ पर गरीबों का पैसा लगा हुआ है और अब लगभग 7 साल हो चुके, लेकिन अभी तक सेबी विभाग ने इस संबंध में कोई भी अपने पोर्टल के माध्यम से कोई सार्वजनिक सूचना निवेशकों के लिए नहीं दी। कोई निवेशकों के लिए यहाँ पर भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। जो भी अपडेट है हमारे पास आ रही हैं दोस्तों, सब ये लोकल अपडेट है, जिसमें यही बताया जा रहा है कि रॉयल ट्रिंकल स्टार क्लब की संपत्तियों का को बेचा जाएगा, निवेशकों को पैसा दिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक कोई भी हल सेबी विभाग की तरफ से यहाँ पर नहीं निकल कर आ रहा। लगता है कि सेबी विभाग इस मैटर को गोल किए हुए है और ये अंडरग्राउंड पैसा हो चुका है, यानी कि सेबी विभाग ने अभी तक कोई सार्वजनिक सूचना नहीं दे पाई कि उसने रॉयल ट्रिंकल स्टार क्लब की कितनी संपत्ति बेच दी और कितनी संपत्ति बेचने के बाद निवेशकों का निवारण करने के लिए क्या कोई पोर्टल खोलेगी या नहीं खोलेगी, ऑनलाइन से पैसा दिया जाएगा या ऑफिस लाइन से पैसा दिया जाएगा, अभी तक कोई अपडेट ऐसी नहीं आई। तो दोस्तों, न्यूज़ों से कोई पैसा नहीं मिलता। पैसा अगर सरकार चाहे तो दे सकती है, क्योंकि सरकार के हाथ में देनदारी से 4 गुना पैसा
इस वक्त भारतीय प्रतिभूति सेबी के पास है, लेकिन देने की नियत नहीं है। ये हालात एक रॉयल ट्रिंकल स्टार क्लब कंपनी के नहीं हैं, अपितु ये हालात सभी कंपनियों के हैं, चाहे वो PSEL हो, KBCL हो, सहारा हो, कल्पत्रु हो, बाइक बोर्ड हो, फ्यूचर मैकर हो, अदर। यहाँ पर न जाने कितनी ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को सेबी विभाग अपने काल ग्राफ में समा चुका है, जिनका पैसा लेकर बैठा है और पैसा निवेशकों को नहीं दे पा रहा है। तो दोस्तों, ये थी रॉयल ट्रिंकल स्टार क्लब से जुड़ी आज की ताज़ा अपडेट। अपडेट पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।